गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे लाइट मैप के यूज़ करके, यानी कि इसे बोल सकते हैं ग्रीन एंड ब्लू सा टोन, ठीक है। तो गाइज आप लोग भी कुछ इसी तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं ना, तो आप लोग ना इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ है ना कि आप भी अपने फोटो को कुछ इसी तरीके का सेम टू सेम एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए अभी ना इसी तरीके वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले अपने गैलरी से नॉर्मल फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आपको एडिट करना है। उसके बाद शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपको इस फोटो को लाइटरूम में ऐड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ ऑल फोटो पे आपको क्लिक कर देना है और अपने फोटो को यहाँ से अपने सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आपको एडिट करना है। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइट की एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट के वैल्यू आपको इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करके 14% कर लेना है प्लस में, ठीक है। और यहाँ से आपको हाईलाइट्स को डिक्रीज करना है और हाईलाइट्स को डिक्रीज करके माइनस में 28 कर लेंगे और शेडोज़ को भी यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे और शेडोज़ को डिक्रीज करके यहाँ से माइनस में 26 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से वाइट्स को भी डिक्रीज करके माइनस में 13 कर लेंगे, ब्लैक्स को डिक्रीज करके माइनस में 15%। इतना करने के बाद यहाँ से आपको जो है नीचे आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद टेम्परेचर को आपको इंक्रीज कर लेना है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके यहाँ से हम रख लेंगे 21, ठीक है। और यहाँ से टिंट को डिक्रीज करने के टिंट को डिक्रीज करके माइनस कर लेंगे माइनस में 31 और वेविडेंस को इंक्रीज करके प्लस में 21 कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सैचुरेशन को फुल इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। ल्यूमिनस को आपको डिक्रीज करना है और ल्यूमिनस को डिक्रीज करके माइनस में 18% और ह्यू को भी यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है और ह्यू को डिक्रीज करके यहाँ से आपको माइनस में 60% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ना येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा। तो येलो कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके यहाँ से आपको कर लेना है माइनस में 48% और यहाँ से आपको ह्यू को पूरा इंक्रीज करके आपको 100 कर देना है। और यहाँ से आपको ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है, ल्यूमिनस को थोड़ा सा डिक्रीज करके माइनस में 26%। और यहाँ से जो आपको ना ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सैचुरेशन को आपको डिक्रीज करना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके माइनस में यहाँ से आपको 66 कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा ल्यूमिनस को इंक्रीज करके प्लस में 8% कर लेना है। नेक्स्ट आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका सैचुरेशन को फुल इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से और यहाँ से ल्यूमिनस को थोड़ा सा आपको डिक्रीज करके माइनस में 16 कर लेना है, ठीक है 18%। और यहाँ से थोड़ा सा ह्यू को भी डिक्रीज करके माइनस में 12% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ से साइड में ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ शेडोज़ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ से बीच से पकड़ के ना आपको ब्लू की तरफ आपको कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लू की तरफ आपको करना है। अब यहाँ से आपको जो है मिड टोन सेलेक्ट करना है और इसको भी ब्लू की तरफ आपको कर देना है बीच से पकड़ के कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपको जो है हाईलाइट्स को सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी ब्लू की तरफ आपको कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ से नीचे आ जाना है आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम और यहाँ से 8% कर लेंगे। क्लियरिटी का वैल्यू है यहाँ से माइनस में 8%, डीएस की वैल्यू प्लस में 10%। बिगनेट को थोड़ा सा यहाँ से डाउन करेंगे, डाउन करके माइनस में 35% और मिड पॉइंट को भी यहाँ पर डाउन कर लेंगे और मिड पॉइंट को डाउन करके यहाँ से 34% कर लेंगे, ठीक है। और फेदर को यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, फेदर को इंक्रीज कर लेंगे यानी कि और इंक्रीज़ करके यहाँ से 82% कर लेंगे और राउंडनेस को इंक्रीज़ करके यहाँ 71% कर लेंगे। इतना करने के बाद जो है यहाँ से नीचे आ जाना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद शार्पनिंग की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाना है 10%। यहाँ से नॉइज रिडक्शन की वैल्यू जो है आपको पूरा इंक्रीज़ कर लेना है 96%। कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज़ कर 5% कर लेना है और यहाँ से आपको स्मूथनेस को 100 कर देना है, ठीक है। इतना करते हैं जो है फुल मतलब फोटो फुल HD क्वालिटी में हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद आ जाना है ऊपर आपको सब यहाँ पे हम जो ब्लू कलर को ऐड करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे ऊपर आ जाना है यहाँ मास्किंग वाले ऑप्शन पे। और मास्किंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से नीचे आना है स्क्रॉल करके और यहाँ पे कलर रेंज का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो कलर रेंज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक सर्कल देखने को मिलेगा तो इसको पकड़ के ना इसको आपको स्काई के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देना है। इतना करने के बाद यहाँ से रिफाइन की वैल्यू आपको कम कर लेना है, कम करके यहाँ से आपको रख लेना है 12% कर लेना, अपने हिसाब से आपको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है।
उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो जो फुल एचडी क्वालिटी में एडिट हो चुकी है। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ इस फोटो को ना एचडी क्वालिटी में सेव करने के लिए यहाँ सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करते ही आपकी फोटो फुल एचडी क्वालिटी में सेव हो जाएगी गैलरी में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, तब तक के लिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।